हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक फिर से न्यू ट्यूटोरियल लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस का। ये बहुत ही खूबसूरत देखिए ड्रेस है, 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने इसे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, फ्लावर मोटिव में है ये, तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो और कलर कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चोली के साथ घेरा ले लिया है, सिंपल सा। इसके ऊपर कोई डिज़ाइन मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल जो ड्रेस होती है कान्हा जी की, वैसी एक ड्रेस मैंने ली है। यहाँ पे आप जिस कान्हा जी के लिए, जिस साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस ये बनाना चाहते हो, आप उस कान्हा जी के साइज़ का किसी भी तरीके का एक सिंपल सा ऐसे ड्रेस ले लेना। और यहाँ पे मैंने 5 लाइन बनाया है घेरे का, आप चाहो तो और भी लंबा घेरा करके ले सकते हो। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे किसी भी साइड से आपको ये कर सकते हो आप जॉइंट धागे को। तो देखिए मैंने पीछे की साइड से इसको जॉइंट किया है, ठीक है। अभी मैं इसमें 3 चेन लूँगी, 1, 2, 3। ये मैंने 3 चेन ले लिया है। अभी देखिए नेक्स्ट जो चेन होगा हमारा, अगले चेन पे मैं बस सिंपल सा एक डबल क्रोशिया करूँगी। 2 का 1 किया और फिर से 2 का 1 किया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखिए ये एक डबल क्रोशिया करने के बाद हमें 2 चेन लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1, 2, ठीक है। ऐसे हमें 2 चेन लेना है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए जाएंगे। तो अभी देखिए नेक्स्ट चेन में मैं फिर से एक डबल क्रोशिया करूँगी 2 चेन लेने के बाद। देखिए 2 का फिर से 1 किया, ठीक है। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1, 2। अब नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, ये नेक्स्ट चेन, दो का एक और 2 का 1 अभी करेंगे, ठीक है। ऐसे अब फिर से 2 चेन लेंगे और ऐसे ही हमें ये जो पूरा सर्कल है कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमारा पूरा जहाँ जितने भी घेरे में चेन है ये लास्ट तक ये हमारा ऐसे ही बन के आएगा। तो ये देखिए ये कंप्लीट होने के बाद ऐसे दिख रहा है, तो हमें ऐसे ही बुनना है इस लाइन को। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 चेन लूँगी और इसको अभी लास्ट जहाँ से हमने चेन से 3 चेन से स्टार्ट किया था उसी चेन में हम इसको जॉइंट करके धागे को कट कर देंगे। तो देखिए अभी मैं धागे को जो है कट कर दूंगी, तो ये मेरा कट हो गया। अभी मैं नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी, तो देखिए ये है इसका लुक। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी, जिस साइड में मैंने धागे को कट किया था वहीं से मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसे भी आप किसी भी साइड से, आपको जहाँ से मर्जी आप ऐड कर सकते हो। तो पहले मैं 3 चेन लूँगी, 2, 3, ठीक है। ये मैंने 3 चेन ले लिया है। अभी देखिए नेक्स्ट जो चेन होगा, ये ऊपर की चेन नहीं, ये देखिए बीच वाले जो चेन है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। ये 1 बार डबल क्रोशिया, फिर से सेम चेन में ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अभी सेम 2 चेन लेंगे, 1, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट चेन पे चले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ये 1, सेम चेन में और 1, ये 2 हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट चेन पे करेंगे, 1 बार सेम इसी चेन में 2 बार हुआ, फिर से 2 चेन। अब ऐसे ही हमें जितने भी यहाँ पे चेन्स हैं, देखिए जितने भी चेन्स हैं ये सारे चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया, 2-2 चेन लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये ऐसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये लास्ट में जो 3 चेन लिया था इसे भी एक मैं काउंट करूँगी और ये लास्ट वाले चेन जो है ये बचा हुआ है, तो ये लास्ट चेन में मुझे हमें 1 ही बार डबल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। 2 बार नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चेन हमने पहले 3 चेन बनाया था उसको भी एक काउंट कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ पे अभी ज्वाइन कर देंगे, तो इसको ज्वाइन करने के बाद धागे को मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। तो देखिए
तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन करने के लिए देखिए, जहाँ पे मैंने धागे को कट किया था वहीं पे मैं फिर से थ्री चेन, एक दो तीन, थ्री चेन हो गया। अभी इसके नेक्स्ट जो चेन होगा, ये देखिए ये जो गैप है, इस गैप में, ठीक है, चेन में नहीं, गैप में हमें 8 बार डबल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेम चेन, सेकंड डबल क्रोशिया, सेम चेन, थर्ड डबल क्रोशिया, सेम चेन, फोर्थ डबल क्रोशिया, सेम चेन, फिफ्थ डबल क्रोशिया, सेम चेन, सिक्स डबल क्रोशिया, सेम चेन, सेवेंथ डबल क्रोशिया, और ये हमारा लास्ट एंड एट डबल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, ये जो दो चेन बनाया है यहाँ पे, ये देखिए दो चेन इसके बीच में, इसके बीच वाले चेन में, ये देखिए यहाँ पे हमें इसको हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो गैप है, ये देखिए जहाँ पे ज्वाइंट किया है उसके नेक्स्ट जो गैप होगा, यहाँ पे हमें फिर से 8 डबल क्रोशिया करनी है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेम चेन, सेकंड डबल क्रोशिया, सेम चेन, थर्ड डबल क्रोशिया, सेम चेन, फोर्थ डबल क्रोशिया, सेम चेन, फिफ्थ, सेम चेन, सिक्स डबल क्रोशिया, सेम चेन, सेवन डबल क्रोशिया, सेम चेन, एट डबल क्रोशिया, ठीक है। अभी देखिए इसको भी हम इसके बीच में, ये जो चेन है यहाँ पे, हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब ऐसे ही हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा लास्ट है, और ये जो थर्ड चेन लिया था, थ्री चेन से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करके हम धागे को जो है कट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये ऐसे दिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट कलर लेंगे, ये मैंने ग्रीन कलर से लिया है। जैसा आपको पहले ही भी बोला था, आप कलर कस्टमाइज़ करके इसे बना सकते हो। तो जहाँ से मैंने धागे को कट किया था वहीं पे मैं धागे को ज्वाइंट करूँगी, देखिए यहाँ पे चेन नहीं लेना है, बस हाफ क्रोशिया से मैं इसे ज्वाइन करूँगी, ऐसे ही एक चेन लेके। आप चाहो तो ऐसे, अगर आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है तो आप एक चेन पहले नॉट लगा के लेना, उसके बाद इसे ज्वाइन करना, ठीक है। तो देखिए मैंने चेन नहीं लिया है, बस हाफ क्रोशिया जैसे होता है वैसे मैंने लगाया है इसको, और ये जो एक्स्ट्रा है इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 8 हमने चेन बनाए हैं डबल क्रोशिया से, यहाँ पे इन हर एक चेन में हमें हाफ अप क्रोशिया करना है, ठीक है। ये देखिए ये है नेक्स्ट चेन, यहाँ पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हाफ क्रोशिया। देखिए ये नेक्स्ट चेन है, ये नेक्स्ट चेन हाफ क्रोशिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चेन हाफ क्रोशिया, ये नेक्स्ट चेन हाफ क्रोशिया। ये हर एक चेन में हाफ हाफ क्रोशिया नहीं करना है, यहाँ पे हमें फ्लावर को जॉइंट भी करना है, तो आप स्किप मत कीजिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हाफ क्रोशिया के साथ साथ हमें फ्लावर को भी बना के जॉइन करना है, तो इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने 8 चेन में तो हाफ क्रोशिया कर लिया है। अभी ये जो हमने जहाँ पे हाफ क्रोशिया से ये पिंक कलर का हमने पत्ते बनाए थे, जहाँ पे हाफ क्रोशिया से ज्वाइन किया था वहाँ पे हमने डाल के हाफ क्रोशिया किया, इसीलिए बीच वाला जो है वो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है और दोनों पत्तों के बीच में एक कट भी लग गया है। तो ऐसे हमें पहले 7 पत्ते में करना है। ये देखिए मैंने 7 पत्ते में किया है, ठीक है। ये देखिए तो अभी हमें क्या करने हैं, पहले लेफ्ट साइड से 2 पत्ते को छोड़ना है, ठीक है। और 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 पत्तों को छोड़ देंगे तो हमारे पास 5 पत्ते होगा। तो अभी क्रोशिया हुक को मैंने उस साइड के चेन से बाहर निकाला, और 2 पत्ते के बाद
दो तीन नंबर पत्ते के बीच में, देखिए दो और तीन पत्तों के बीच में जो होगा एकदम मिडिल में, वहाँ से हमने चेन को सॉरी हुक को डाला और एक हाफ क्रोशिया किया। ठीक है, हाफ क्रोशिया करने के बाद ये देखिए ये ऐसे आएगा, पांच पत्ते का हमने एक फ्लावर बनाया है और ये दो जो हमने छोड़ दिया है इसको हम लास्ट में ज्वाइन करेंगे। अभी हमें तीन पत्ते में फिर से सेम तरीके से हाफ हाफ क्रोशिया करने हैं। देखिए यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करूँगी, ये देखिए अभी ये ऊपर के हिस्से में जितने होगा उतना हम हर एक चेन में कर लेंगे और बीच में जहाँ से ये जो दो पत्तों के बीच में हमें जो हाफ क्रोशिया करना है वो जहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया करके जॉइंट किया था ये येलो वाले में, ये देखिए वहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने तीन पत्ते में फिर से कर लिया है, देखिए ये ऐसे आएगा। अभी हमें ये इस साइड में देखिए जहाँ पे हमने इसको जॉइंट किया है इसी के ठीक नीचे इस कॉर्नर पे हमने जॉइन किया है, उसके अगले कॉर्नर पे सेम उसी पत्ते के एक कॉर्नर पे इसको जॉइंट किया है, उसके दूसरे कॉर्नर पे ये देखिए दूसरा कॉर्नर ये है, यहाँ पे हमें इसको जॉइंट करना है। ठीक है, ये देखिए इस चेन को हम इसके अंदर से ऐसे लाएंगे बाहर और हाफ क्रोशिया करेंगे बस। ठीक है, अब फिर से हमें चार पत्ते पे करना है, सेम तरीके से हम भी चार पत्ते पे हाफ क्रोशिया कर लेंगे। तो चलिए मैं चार पत्ते पे कर लेती हूँ, ये मेरा चार पत्ते पे हाफ क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इस साइड के जिस साइड में हमने जिस कॉर्नर पे हमने इसको लगाया उसके नेक्स्ट जो चेन होगा ऊपर की साइड में, पहले हमने नीचे की साइड में कॉर्नर पे लगाया अभी ऊपर की साइड के कॉर्नर पे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसको कंप्लीट करना है। अभी फिर से हम तीन पत्ते पे करेंगे, एक बार तीन पत्ते पे, एक बार चार पत्ते पे। तीन पत्ते पे जब हम लगाएंगे तब हम नीचे की साइड में नीचे की कॉर्नर पे जॉइन करेंगे और चार पत्ते को जब हम करके जॉइन करेंगे तब ऊपर की कॉर्नर पे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है। ये देखिए ये ऐसे लुक आएगा, देखिए ये ऐसे हमारा जो है ये कंप्लीट होगा। अभी ऐसे इसको करेंगे, ऐसे पूरा जो सर्कल है ये ऐसे कंप्लीट होगा। तो चलिए मैं कंप्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये मेरा लास्ट है, अभी ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, इस लास्ट को ऐसे ज्वाइंट नहीं कर सकते है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले दो चेन में कर लिया था, तो अभी हमें जहाँ पर हमने ख़त्म किया ये देखिए यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये जो मैंने राइट हैंड से पकड़ के रखा है यहाँ पे हमें एक नॉट लगाएंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, अभी ये ऐसे अभी मैं गले में एक बॉर्डर लगाऊंगी और दोनों बाजुओं में एक बॉर्डर लगाऊंगी सेम तरीके से हाफ क्रोशिए से। तो देखिए पहले मैं धागे को जॉइंट करूँगी, एक चेन लिया। ठीक है, अभी हर एक ये बाजू के साइड में जितने भी चेन्स हैं हर एक चेन में हमें ऐसे हाफ हाफ क्रोशिया करने हैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ और ऐसे ही आप गले में भी कर लेना, हाथों में दोनों साइड और गले में। ठीक है, आप चाहो तो कमर में एक बेल्ट भी लगा सकते हो, मैंने लगाया नहीं है। तो देखिए ये है फाइनल लुक। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।